What's up everyone? Welcome back to the channel. तो हम लोगों ने क्लास 11th का हमारा बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर लिया है, अकाउंटेंसी स्टार्ट कर लिया है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स. तो हमारे तीनों ही सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग हो जाएगी और आपका इस पर्टिकुलर वीक से एक फ्लो बन जाएगा तीनों ही सब्जेक्ट्स का और हम फटाफट सारी चीज़ें कर पाएंगे. तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस मेरे साथ साथ पढ़ते चलना. इकोनॉमिक्स भी हम उसी अच्छे तरीके से करेंगे जैसे हम अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं और फुल मार्क्स लेके आएंगे मिलके. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में आप लोग बहुत सारे छोटे 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 टर्म्स पढ़ने वाले हो. पहले सर, सबसे पहला कौन सा टर्म है जो हम पढ़ने वाले हैं? वो है इकोनॉमी. इकोनॉमी है क्या? अब देखो, इकोनॉमी एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इंडियन इकोनॉमी, US इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी. तो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम. हम लोग अगर काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, आप हॉस्पिटल से हेल्थ सर्विसेज ले पा रहे हो, बैंक से बैंकिंग सर्विसेज ले पा रहे हो, बाज़ार से सामान खरीद पा रहे हो, तो सेलर्स बायर्स बहुत सारे लोग हैं जो आपस में इकट्ठा होते हैं और ट्रेड करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सेल करते हैं. तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे इकोसिस्टम को ही हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं. तो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को क्या दे रहा है, द मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन एंड अर्न अ लिविंग, ताकि वो अपनी जिंदगी में पैसा कमा पाए. या फिर इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच, जिसके अंदर एंड बाय विच पीपल गेट्स अ लिविंग, लोगों को अपना काम मिल रहा है, टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन. तो बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, आपका जो मन करे आप वो लर्न कर सकते हो. इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कितने सारे सेक्टर्स हैं, ये सब इकोनॉमी में आ जाता है. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली मेकिंग चॉइसेस. इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये है क्या बेसिकली? देखो, इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी. पहली ये कि एक इंसान की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती. आपकी कितने ही अच्छा लाइफस्टाइल हो जाए, अंबानी भी रात को सोचते होंगे कि यार थोड़ा पैसा और होना चाहिए था यार. तो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा बहुत लिमिटेड है, बट हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. तो अब हमें चॉइस करना पड़ेगा कि यार कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिले. अब फॉर एग्जांपल चिंटू का बर्थडे है. अब चिंटू को बर्थडे में 1000 रुपये मिले. 1000 में चिंटू का मन करा यार शूज़ ले लेता हूँ, या कपड़े ले लेता हूँ, या दोस्तों को पार्टी दे देता हूँ, या मूवी देखाता हूँ, या कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ नेटफ्लिक्स का, या कुछ कुछ भी. तो कितनी सारी चीज़ें चिंटू के पास करने के लिए और पैसे 1000 में क्या क्या करे भाई. तो चॉइस करनी पड़ेगी ना. यही प्रॉब्लम जो आ रही है चॉइस मेकिंग की, इसी की स्टडी करना और अच्छा डिसीजन लेना, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है. तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी. सर, स्कार्सिटी का क्या मतलब? स्कार्सिटी मतलब कमी. 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं ना, वो स्कार्सिटी है. एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड एंड्स. रिसोर्सेज का मतलब हमारे जो पैसा अवेलेबल है या रिसोर्सेज अवेलेबल है, और जो वॉन्ट्स हैं. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट? स्कार्सिटी क्या होता है सर? स्कार्सिटी होता है जब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है. जब डिमांड हमारे पास ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस सिचुएशन को स्कार्सिटी बोलते हैं. इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड. सप्लाई कम है किसी भी चीज़ की और डिमांड बहुत ज़्यादा है. स्कार्सिटी इज़ यूनिवर्सल, ये पॉइंट याद रखेंगे. स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, सब जगह चलता रहता है. स्कार्सिटी कभी ख़त्म नहीं होता है. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमाइजिंग का मतलब अच्छे से यूज़ करना, रिसोर्सेज को वेस्टेज ना करना, ठीक है? इसके बाद होता है हमारे पास इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा, एक सिस्टम. इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ चॉइसेस. इकोनॉमिक्स के बाद स्कार्सिटी पड़ा, कमी, किसी भी चीज की शॉर्टेज, उसी को स्कार्सिटी बोलते हैं. देन वी आर हैविंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है कि यार क्या चूज करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, अब कम पैसे में ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे आए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोल रहा था. अब प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस.
चूज कैसे करूं, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, ह्यूमन की इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती। जब चिंटू छोटा सा होता है, पापा पापा साइकिल ले, साइकिल के बाद फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर स्कूटी, फिर बाइक, बाइक के बाद कार, कार के बाद फिर वो थोड़े दिन में एरोप्लेन लूंगा मैं अपना, हेलीकॉप्टर से उड़ूंगा, प्राइवेट शॉफर चाहिए मुझे अपना। तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर ये हुई क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम हुई इन तीन चीज़ों की वजह से। ये देखो, ये चिंटू चिंटी परेशान हो रहे ना, ये क्यों परेशान हो रहे? सबसे पहले पैसा कम है, रिसोर्सेज कम है, इच्छाएँ अनलिमिटेड हैं, कभी पूरी नहीं होती, और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेज का मतलब 1,000 रुपये के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, आप उससे पार्टी कर सकते हो, आप उससे शूज ले सकते हो, आप उससे कपड़े ले सकते हो, आप उससे कुछ भी कर सकते हो, तो देर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज बहुत कम हैं। ये तीन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन तीनों को अगर डिफाइन करना हो तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी मैंने आपको बताई दिया, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड और रेकरिंग बार 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 बार, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक चीज़ के अलग अलग यूजेस होते हैं। इनका सिर्फ आप रीडिंग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ आपको एक अच्छी सी प्रॉपर रीडिंग लगानी है इस पर्टिकुलर चीज़ की। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वॉन्ट्स। रिसोर्सेज और ह्यूमन वॉन्ट्स में कैसा रिलेशन है आपको पता ही है, रिसोर्सेज तो स्केयर्स हैं, कम हैं, लिमिटेड हैं, और हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। द रिसोर्सेज आर स्केयर्स, दैट इज सप्लाई इज लिमिटेड, बट उनके यूजेस बहुत सारे हैं। 1,000 रुपये आपके पास है तो उसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, और जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, कभी भी पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती, लोगों की प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इसके बाद आता है बेटा जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का खर्चा इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर मेरे पास 3 जगह से जॉब्स आई, एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, एक कंपनी सी। एक ने दिए 50,000 पर मंथ, एक ने दिए 80,000 पर मंथ, एक ने दिए 1,00,000 पर मंथ। तो मैं कौन सा लूँगा, ऑब्वियसली बताओ, 50 वाला, 80 वाला या 1,00,000 वाला? मैं लूँगा 1,00,000 वाला। अब 1,00,000 अगर मैं ना लेता तो उसके अगला बेस्ट कौन सा था, 50 या 80? मैंने दोनों छोड़ दिए, मैंने 50 भी नहीं लिया, 80 भी नहीं लिया, लेकिन 1,00,000 के बाद दूसरा बेस्ट कौन सा था, 80 था ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कि अगर आप एक चीज़ सेलेक्ट करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हो, तो जो आपने सेलेक्ट करा है उसके बाद अगर आप वो ना लेते तो कौन सा अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ, किस चीज़ का कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये कॉस्ट है किस चीज़ का, अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ बैंक, बैंक में काम कर रहे हैं और सैलरी है 40,000 पर मंथ, एंड ही रिसीव्स 2 more job offers, टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट 30,000 पर मंथ एंड टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। तो अगर 40 नहीं कर रहे तो कौन सा अगला बेस्ट है, 35 बेस्ट है या नहीं है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज ₹35,000, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स हो सकती है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर। इकोनॉमिक्स के दो छोटे छोटे ब्रांच हैं, इकोनॉमिक के दो बच्चे कौन कौन से, माइक्रो मैक्रो, कौन कौन से होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो आप 11th में पढ़ रहे हो, मैक्रो आप 12th में पढ़ोगे, तो कौन कौन से हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, आ जाओ जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये नाम में ही क्या है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में इट इज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, छोटा छोटा स्टडी ना माइक्रो बोलते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा स्टडी। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर बच्चों के बिहेवियर को जानना है। अब मैं अपने घर में अगर एक बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो होगा माइक्रो, और मैं किसी स्कूल में चला गया, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उन सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगा तो वो जाएगा मैक्रो। तो जो छोटे लेवल पे इंडिविजुअल की स्टडी है, आई का मतलब इंडिविजुअल, उसको बोलूंगा माइक्रो, और जो बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों की सम कर दूं, एग्रीगेट कर दूं, ए का मतलब एग्रीगेट, तो उसको बोल दूंगा मैक्रो। तो माइक्रो क्या है,
It is that part of economics which studies the behavior of individuals. And macro is that part of economics which studies the behavior of aggregates. ठीक है? Micro individuals, macro aggregates. इसके बाद टूल्स क्या क्या होते हैं माइक्रो के? डिमांड एंड सप्लाई. याद रखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मेनली इंडिविजुअल डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, उसकी बात करते हैं. मैक्रो में टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, देश में जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं सब. यहाँ पे एक कंज्यूमर की, यहाँ पे एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, माइक्रो क्यों पढ़ते हैं हम? टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी. माइक्रो में मेनली जो ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इको पढ़ने का, वो प्राइस ढूंढना है, प्राइस सेट करना है. तो माइक्रो में भी मेनली टॉक अबाउट टू फाइंड आउट द प्राइस, और मैक्रो में इनकम देखना कि टोटल इनकम क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है. माइक्रो में आप ज्यादा प्राइस के कंसिडर में आसपास चीजें पढ़ोगे, मैक्रो में आप इनकम एम्प्लॉयमेंट के आसपास में पढ़ोगे. उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब क्या? यहाँ पे समेशन होता है क्या? ज्यादातर चीजों में ऐड करा जाता है. माइक्रो में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप चीजों का सम करते हो, जिसमें आप चीजों का एग्रीगेट करते हो. बट मैक्रो में यूजुअली ज्यादातर चीजें सम कर गई, क्योंकि बड़े लेवल पे पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर सभी चीजें एग्रीगेट्स में पढ़ी जाती हैं. ठीक है, उसके बाद एज्यूम क्या कर रहे हैं? जब माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो को कांस्टेंट मान लो, जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो को कांस्टेंट मान लो. इट इज एज्यूम दैट ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. इट इज एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. जब भी आप माइक्रो को पढ़ोगे तो मैक्रो वाली सारी चीजें अनचेंज्ड एज्यूम करोगे, मैक्रो पढ़ोगे तो सारी चीजें माइक्रो वाली अनचेंज्ड एज्यूम करोगे. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. इसे प्यार से क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी. इसको प्यार से क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर प्राइस के आसपास घूमेगा और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के आसपास घूमेगा. एग्जाम्पल, एक इंसान की इनकम, एक प्रोड्यूसर का आउटपुट, और यहाँ पे पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन का आउटपुट, तभी तो ये मैक्रो होगा. तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये आपका पूरा डिफरेंस आ जाता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी तीन से चार पॉइंट याद रखोगे तो काम हो जाएगा. मीनिंग कर लो, या ये पढ़ लो माइक्रो कहाँ से आया है. एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, ये माइक्रो आया कहाँ से. तो जो माइक्रो है, दिस माइक्रो, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल. और मैक्रो कहाँ से आया है? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज. तो द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, याद रखना, ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब है स्मॉल, और टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, जिसका मतलब है लार्ज. ठीक है, माइक्रो में वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल्स, मैक्रो में वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स. माइक्रो के टूल्स डिमांड सप्लाई, इधर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई. माइक्रो पढ़ो तो मैक्रो कॉन्स्टेंट, मैक्रो पढ़ो तो माइक्रो कॉन्स्टेंट. इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स लिख दो, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. तो इस तरीके से पांच छह पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो. तो ये हमने पढ़ी द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. एक सवाल हम आज और करेंगे लास्ट, और वो क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. हमारे पास दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नॉर्मेटिव. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये होता है, अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जैसे चिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला और चिंटू ने कहा कि मेरी जेब में से निकले फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़, तो मैं ज्यूम कर लो 20 रुपीज़ निकले, तो 20 रुपीज़ मेरी जेब में है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. नॉर्मेटिव क्या होगा? मेरी जेब में 20,000 करोड़ होने चाहिए. तो क्या होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव. क्या एक्चुअल में है, दिस इज पॉजिटिव. मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, दिस इज पॉजिटिव. और पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव. तो क्या हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव. क्या होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव. अब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पॉजिटिव, आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, नॉर्मेटिव. ठीक है, क्या है पॉजिटिव? इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड. प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व हो रही है. नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी. ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. उसके बाद पर्पस, इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन.
पॉजिटिव रियल डिस्क्रिप्शन दिखाता है किसी भी इकोनॉमी का. नॉर्मेटिव इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स. आइडियल्स का क्या मतलब होता है? आइडियल्स का मतलब कि कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन, है ना. इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये एक्चुअली में है. भाई मेरी जेब में 20 का नोट है तो वेरीफाई हो सकता है ना, इसको कैसे वेरीफाई करूंगा, है तो फ्यूचर की बातें हो रही है, सपने हो रहे हैं, राइट. ये कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है क्योंकि ये फैक्ट है, लेकिन ये वैल्यू जजमेंट दे रहा है. ये हर कोई अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से काम कर रहा होता है. इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव. ये तो फैक्ट है, कोई सजेशन नहीं है. इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियंस. सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो इसको हम सजेस्टिव बोलते हैं, सजेशन चलते हैं लोगों के. इसके बाद एग्जाम्पल्स, प्राइजेस कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. लोगों को कंट्रोल करना चाहिए प्राइजेस को, इकोनॉमी में कंट्रोल होने चाहिए प्राइजेस. नॉर्मेटिव, तो क्या हो रहा है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, इसका एक बार रिविजन ले लेना अच्छे से. इसके बाद माइक्रो मैक्रो दो ब्रांचेस पढ़ ली, ठीक है. फिर कुछ टर्म्स पढ़े हम लोगों ने, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ये सब रीजंस पढ़े. स्कैसिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक स्कैसिटी, इकोनॉमी. तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया चैप्टर का, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी. अभी आज का सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है. जो भी किताब आपके पास है, एनसीईआरटी है या जो भी बुक आपके स्कूल्स में यूज हो रही है, जो भी बुक ली है, उसमें से एक बार रीडिंग लगा लेना. कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हम उसको प्रॉब्लम को ऐसे दूर कर देंगे फटाफट इन नेक्स्ट वीडियो. तो मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्दी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स की नई वीडियोस लेके. तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, साथ साथ पढ़ के चलना, हम सब कुछ बहुत जल्दी से कवर कर देंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.